कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत से गदगद विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव से पहले एकजुट होने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। अब एनसीपी चीफ शरद पवार ने विपक्ष के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के सवाल पर बड़ा बयान दिया, साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ भी की है। शरद पवार ने सोमवार को कहा कि मेरी कोशिश विपक्ष को साथ लाने की है, ऐसी ही कोशिश बिहार के सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं। मैं अगला चुनाव नहीं लड़ रहा हूं तो पीएम उम्मीदवार बनने का सवाल ही कहां है। मैं पीएम बनने की रेस में नहीं हूं, हमें ऐसा नेतृत्व चाहिए जो देश के विकास के लिए काम कर सके। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पदयात्रा का सबसे अच्छा उदाहरण है। राहुल गांधी के बारे में कोई कुछ भी कहे, मुझे यकीन है कि लोग राहुल गांधी की विचारधारा को मजबूत करेंगे। शरद पवार ने महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पर भी अपना बयान दिया। पवार ने महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे पर कहा कि इस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। मेरे आवास पर एक बैठक हुई थी जहां इस बात पर चर्चा हुई कि तीनों पार्टियों के नेता इस पर फैसला करेंगे। उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी या कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर चर्चा करने के लिए एक साथ बैठेंगे। वही महाराष्ट्र में हालिया हिंसक घटनाओं पर शरद पवार ने कहा कि अगर हम इन घटनाओं के पीछे की विचारधारा और ताकत देखेंगे तो पता चल जाएगा कि इनके पीछे कौन है। केंद्र और राज्य में सत्ता में बैठे लोगों की संलिप्तता का पता लगाने के लिए जांच जरूर की जानी चाहिए।